एक परिचय की कड़ी में मैं उमेश आप सभी का फिर से व्योम टीवी में स्वागत करता हूं। और आज हमारे बीच में है शिक्षा जगत से जुड़े हुए संजीव कुमार मिश्रा जी। सबसे पहले तो इस चैनल पे आपका स्वागत है सर। थैंक यू। और मुझे बहुत खुशी है कि आप समाज के लिए कुछ कर रहे हैं और समाज के वैसे वर्ग के लिए कुछ कर रहे हैं जो आने वाले समय में भविष्य के रूप में दूसरे के लिए कुछ कर पाए। कैसा महसूस करते हैं एक शिक्षा जगत के रूप में एक शिक्षक नाम के पहले लगाने से अपने आप को? बहुत प्राउडनेस फील होता है, बहुत ज़्यादा प्राउडनेस फील होता है। लगता है कि सिर्फ पैसा कमाना मकसद नहीं है, लगता है कि हाँ कुछ मैं कर रहा हूँ। और इससे सबसे बड़ी बात आती है कि जब आपके द्वारा पढ़ाए हुए बच्चे कुछ करते हैं तो वो खुशी शायद कहीं नहीं मिलती है। खुश है मतलब आप? बहुत। बच्चों से ज़्यादा खुशी मिलती है या शिक्षा जगत में ज़्यादा खुशी मिलती है? ऑब्वियसली शिक्षा जगत में हूँ तभी बच्चे से इंटरेक्टेड हूँ, और नो डाउट शिक्षा जगत और मैं बहुत ज़्यादा एंजॉय करता हूँ मैं। और शायद इसका इफेक्ट बच्चों लगता पर भी है कि शिक्षा जगत वो शिक्षा जगत में नहीं रह गया जब हमारे पास अच्छे स्कूल्स नहीं हुआ करते थे, कॉलेजेस नहीं हुआ करते थे, फिर भी हमारे पास APJ कलाम साहब थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, लाल बहादुर शास्त्री भी थे। आज इतने बड़े बड़े स्कूल कमर्शियलाइज्ड वे में चल रहे हैं, लगता है काफ़ी परिवर्तन हुआ है। परिवर्तन तो संसार का नियम है सर। अगर परिवर्तन ना हो तो शायद APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे लोग अलग अलग एरा में नहीं आ पाते। ये हम लोग की खुशकिस्मती है कि एक एरा में अगर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आए, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जैसे टीचर आए, तो दूसरे एरा में हमें गर्व होती बोलते हुए कि APJ अब्दुल कलाम जैसे भी शिक्षक आए जो कि लेक्चर देते ही समय ही अब इस दुनिया को छोड़े। इससे बड़ी बात और क्या है? कहावत एक कहा जाता था गुरु गोविंद दोनों कड़े, वो आज है या कहीं आपको लगता है धूमिल सा होता जा रहा? अभी भी है, आप इसको ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं। आप आइए देखिए, सरकारी विद्यालय के बच्चे या झारखंड बोर्ड में पढ़ने वाले बच्चे या जो भी सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं उनके लिए आज या उनके पेरेंट्स के लिए आज भी आप भगवान के रूप में खड़े हैं। हाँ, ये अगर मैं कहूँ कि दूसरे स्कूल में तो वहाँ भी कुछ ऐसे गार्जियन हैं, ऐसे बच्चे हैं जो कि आज भी टीचर को एज ए भगवान कॉमोबरेट करते हैं। सर, आज कहाँ समस्या आपको दिख रहा है शिक्षा जगत में? क्या शिक्षा का जो स्तर था पहले से बढ़ा है या गिरा है? मुझे जहाँ तक लगता है अगर एक सर्वेक्षण तरीके से देखा जाए तो इसमें बहुत उतार चढ़ाव है, आप मानते हैं? हाँ, मैं मानता हूँ। कहाँ कहाँ समस्या है सर? शिक्षा में गड़बड़ी है, गार्जियन में गड़बड़ी है, या शिक्षकों में कुछ परेशानियाँ हैं, या एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन या जनरेशन गैप वाली शब्द यहाँ पर आकर खड़ी है? इसको मैं थोड़ा सा इस बात को स्टार्ट करता हूँ, इस बात को मैं थोड़ा स्टार्ट कर रहा हूँ आपके साथ। एक भारत में बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और वो IIT के प्रोडक्ट भी हैं। उन्होंने कहा कि आज जो देश में इंजीनियर आ रहे हैं उनकी क्वालिटी गिर गई, स्तर गिरा हुआ है। वो एक सिंपल इंटर पास करने वाले स्टूडेंट नहीं हैं और वो इंजीनियर बन करके आ रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है शिक्षा जगत के लिए और शायद सभी को इस पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन मैं ये भी कहूँगा, होपफुली आज कहीं ना कहीं साइंस के क्षेत्र में या आर्ट्स के ही क्षेत्र में आप देखें तो भारत ने बहुत छलांग लगाई है और हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छे पोजीशन पे हैं। तो कहीं ना कहीं आप इस बात को रख सकते हैं कि परिवर्तन तो जरूरी है। अब आप बोलिए कि 1984 का जो शिक्षा नीति था वो आज 2020 में भी लागू रहे तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क होगा, क्योंकि उस समय का डिमांड और आज के डिमांड में बहुत अंतर है। स्टूडेंट क्या करे सर, किस और मूव करे, कैसे करे, क्या करे, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन और एक कंट्रोवर्सियल क्वेश्चन के साथ वो अपने आप से लड़ता रहता है। मानते हैं आप इस बात को? एकदम मानता हूँ। और शायद आपको बताऊँ एज ए शिक्षक कि हम लोग भी अंदर से इस बात को लड़ते रहते हैं कि क्या करें। अब इसके पीछे का कारण, आज ही मैं एक जगह बच्चों से बात कर रहा था तो मैंने यही इसी बात को रखा कि एडुकेशन जरूरी है। अगर एडुकेशन जरूरी होता तो शायद जितने भी इस देश को चलाने वाले विधायक सांसद हैं सभी के सभी हाईली एडुकेटेड लोग होते। लेकिन तो आप देखिए गौर से कि शायद आपको ये सर्वेक्षण मिल जाए कि 50% भी हाईली एडुकेटेड नहीं मिले आपको।
तो क्या इस देश को चलाने के लिए या इस समाज को चलाने के लिए क्या एडुकेशन बहुत जरूरी है, IA BA MA ये सब का जरूरी है? तो मैंने उनको बताया कि आप एडुकेशन के बैकग्राउंड में जाइए और आपको दिखेगा कि एडुकेशन का मतलब होता है सीखना। एडुकेशन का मतलब कभी ये नहीं रखा गया है कि आप बहुत ज्ञानी बन जाइए, बहुत नौकरी ले लीजिए। नहीं, जिन बच्चों में सीखने का, अगर कोई शिक्षक किसी बच्चे में सीखने का एबिलिटी डाल दे, दैट इज कॉल्ड एडुकेशन। और यही आज का स्टूडेंट भी नहीं समझ पा रहा है, और शायद कहीं ना कहीं हम टीचर्स भी इसको गॉन कर रहे हैं, क्योंकि जमाना अर्थ का है। हम सभी लोग पैसे की ओर अपने आप को देखते हैं कि अच्छा पैसा, स्टूडेंट मानते हैं, आप दिग्भ्रमित भी है कुछ, ऑब्वियसली एकदम, क्योंकि उनको उनको लगता है कि हम अगर शिक्षा ले रहे हैं तो इसलिए ले रहे हैं कि हमको बहुत अच्छा नौकरी मिलेगा, बहुत पैसे मिलेंगे, जबकि एडुकेशन ऐसा है ही नहीं। एडुकेशन कहता है कि आप प्रतिदिन सीखो। जिस दिन आप सीखने की चीज़ों को अपने दिमाग में सेटल कर लोगे, ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपका दिग्भ्रमित, जो भी दिग्भ्रमित है, वो खत्म हो जाएगा। आप यह भी देखेंगे कि बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, इवन कि PhD किए हुए तक लोग हैं, और आज 5,000 और 10,000 की नौकरियों के लिए भी उनके अंदर एक, मैंने एक कसमकसी बनी हुई है। कहाँ गड़बड़ी है? देखिए, उन सारी चीजों को अगर एक स्टूडेंट इंस्पायर हो या वहां से डिस्पायर हो जाए, आप बताएं क्या, कैसे अपने आप को एडजस्ट करे वो। निश्चित सा बात है कि अभी यूपी में एक बहाली आया था, उसमें सभी लोगों ने देखा कि किस प्रकार से PhD किए हुए लोग, इंजीनियर्स जो थे, वो लाइन में लगे हुए फॉर्म भरने के लिए। प्यून की शायद जॉब थी या किसी चीज़ की जॉब थी। एक और यहाँ भी धनबाद में आया था कि IIT का किया हुआ स्टूडेंट धनबाद रेलवे में ग्रुप D का जॉब कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे शिक्षा नीति को चैलेंज करता है कि हमें करना क्या है, हमें और हम कर क्या रहे हैं। इस यही दो ऐसे रास्ते हैं जिस पे लोग कंफ्यूज्ड हैं। सर, इंटरनेट और छात्र किस तरीके से कोरिलेट करेंगे? इसके लिए तो हम यही बोलेंगे कि आज बहुत बड़ा समस्या है कि सभी घर में, हमारे खुद, मेरे भी घर में है कि बच्चे एकदम मोबाइल के पीछे पागल हैं, ठीक है। लेकिन ये जो भी विज्ञान करता है वो कहीं ना कहीं आपको एक ऑप्शन देता है कि आप उसमें अच्छाई और बुराई दोनों चीज़ है, तो ढूंढना और बच्चों को उसके मकसद तक पहुंचाना, कहीं ना कहीं परिवार और शिक्षक और समाज, ये तीनों की जिम्मेवारी बनती है। आप किसी एक पे नहीं डाल सकते। आप बोलिए कि नहीं, स्टूडेंट जो है वो बहुत मोबाइल यूज़ कर रहा है तो वो आगे नहीं कुछ कर पाएगा, या टीचर बोले कि हम क्या करें, बहुत बच्चे मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, आप देख लो। ये तीनों जब तक इस जिम्मेवारी को नहीं समझेंगे, बच्चों को नहीं बताया जाएगा कि कैसे हम यूज करें इंटरनेट का, कितना बेहतरीन चीज़ है ये, तो शायद वो इनसे बाहर आ जाए। ये भी देखा जाता है कि अर्थ के अभाव में भी बच्चे नहीं सफल हो पाते हैं। फाइनेंस का कोई प्रॉब्लम है, घर की समस्याएं हैं, बट फाइनेंशियल प्रॉब्लम एक बहुत बड़ा समस्या के रूप में स्टूडेंट के पास आज खड़ा है, मानते हैं? फाइनेंस तो है और हमेशा से रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं। मैं कभी नहीं बोलूँगा कि नहीं रहा, लेकिन आपको मैं बताऊँ, ऐसे एग्जाम्पल्स भरे पड़े हैं जिसमें अगर टैलेंट है तो वो टैलेंट के बेसिस पर आज अच्छे से अच्छे जगह पर हैं। इसके लिए मैं छोटा सा एक एग्जाम्पल आपको बताना पसंद करूँगा। अर्थ की जब बात हुई तो हम लोग की जान पहचान एक सब्बीर उस्मानी सर से हुई थी, और उस समय वो नो डाउट बहुत, ये तो नहीं बोलेंगे गरीब थे, लेकिन बहुत ट्यूशन वगैरह पढ़ा करके किसी तरह से अपने घर को संभाले हुए थे। लेकिन उनमें जो पढ़ने की जद्दोजहद थी और कुछ करने की जो लगन थी, आज के समय में सर, आज वो ADM के पद पर है। क्या ये बहुत बड़े एग्जाम्पल नहीं है कि अर्थ, अगर अर्थ होता किसी चीज़ को रोकने का कारण, तो क्या वैसे छात्र आज अपने अचीवमेंट को प्राप्त कर सकते हैं? गार्जियन को क्या समझना चाहिए सर? कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि गार्जियन को ऐसा लगता है कि हम इन्वेस्ट कर रहे हैं बच्चों पर, ये लैंग्वेज भी सुनने को मिलता है, एकदम। क्या क्या मैसेज देंगे उनको? गार्जियन को सबसे पहला मैं मैसेज यही देना चाहूँगा कि गार्जियन बच्चे के सबसे पहले शिक्षक हैं, और जो पहला शिक्षक होता है उसको एक अच्छा मोटिवेटर भी होना चाहिए। वो बच्चे को समझे, उनके फीलिंग्स को समझे, वो क्या चाहता है, और बच्चे के साथ अपने आप को इन्वॉल्व करे। मैं यही कहूँगा कि आप, आज का जो समय है
वो आप बच्चे के साथ अपने आप को इन्वॉल्व कीजिए, अब बच्चे को समझिए, क्योंकि इतने इमोशंस है, इतने सारे चीज़ हैं इन्वायरमेंट में वो कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप उनके सपोर्ट में नहीं खड़ा होइएगा, मोटिवेट नहीं करेंगे, तो शायद आपका बच्चा वो उस जगह पे नहीं आ पाए जहाँ आप चाहते हैं। एक स्टूडेंट से आपका क्या एक्सपेक्टेशन है सर? मैंने पहले ही कहा था आज कि, और मैंने हमेशा बोला है कि आप पढ़िए मत, आप उससे सीखिए। आप जिस दिन सीखना शुरू कर देंगे, मैं चैलेंज करता हूँ कि आपको ये जो प्रॉब्लम है कि मेरे को पढ़ाई नहीं समझ में आता है, मेरे को ये टॉपिक नहीं समझ में आया, आप इस चीज़ से अपने आप को एकदम स्वतंत्र महसूस करेंगे जिस दिन आप सीखना शुरू कर देंगे। मेरे को ये लगता है कि आप सीखिए, आप पढ़ाई के साथ उन चीज़ों को सीखिए। शिक्षकों पर जिम्मेवारियाँ बढ़ी हैं एकदम इंटरनेट के युग में, शिक्षकों पर जिम्मेवारियाँ बढ़ी हैं और ज़्यादा। अभी मैं लॉकडाउन की आपकी बात बताऊं कि पहले क्या था कि शिक्षक अपना पढ़ाने से पहले अपना एक छोटा सा पढ़ा लिए कि अगले दिन क्या पढ़ाना है मेरे को, एक छोटा सा बना लिए। लेकिन अभी तो स्थिति ऐसी है कि आपको ऑनलाइन पढ़ाना है, बच्चों के साथ आप उस तरह से इंटरेक्टेड नहीं जैसे क्लासरूम में है, तो निश्चित सा बात है आपके पास ब्लैक बोर्ड नहीं है, आपके पास अगर ब्लैक बोर्ड है भी तो उतना बड़ा स्पेस नहीं है, तो आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है और शिक्षक कर रहे हैं मेहनत। तो मैं यही बोलूँगा कि शिक्षकों पे तो और जिम्मेवारियाँ बढ़ी हैं अभी। लेकिन एक बात मैं यहाँ थोड़ा अपना पर्सनल विचार रखना चाहूँगा कि एक शिक्षक के लिए सबसे बड़ा चीज़ है कि उसको गुड मोटिवेटर होना चाहिए। वो बच्चे को एज ए स्टूडेंट ना ले, वो बच्चे को रखे कि वो अपने घर का बच्चा, अगर उसको मोटिवेट करके मोटिवेट कीजिए, उसको पूरा मोटिवेट कीजिए और सीखने के लिए प्रेरित कीजिए। मेरे को ऐसे शिक्षक, हमको लगता है ऐसे शिक्षक होने चाहिए। अंततः क्या मैसेज देंगे सर शिक्षा जगत के जुड़े हुए सारे लोग, चाहे वो कमर्शियल वे में हो, नॉन कमर्शियल वे में हो, कोचिंग सेंटर में हो, इवन एक वह शिक्षक जो बच्चे को कर से कबूतर भी पढ़ाता है, सभी अपने आप में एक महानता की परिचायक है। क्या आप इस चीज को मानते हैं और क्या आप संदेश देना चाहेंगे शिक्षा जगत से जुड़े लोगों को? मेरा यही, शिक्षा जगत से जुड़े हुए जितने भी महानुभाव हैं, आप समझिए कि आप वो मूर्तिकार हैं, वो शिल्पकार हैं जो एक पत्थर में भी जान डाल देते हैं। तो आज की शिक्षा जगत में रहते हुए, खुद रहते हुए, मैं हर एक लोगों से ये अनुरोध करूंगा, ये बोलूंगा कि आप सभी लोग एक मूर्तिकार की तरह, एक शिल्पकार की तरह बच्चों को तराशने का कार्य करें, उनके इमोशंस को समझें। हमेशा उनको फ्रस्ट्रेट करना, डीमोटिवेट करना लक्ष्य नहीं होना चाहिए, बल्कि उनको मोटिवेट करना, उनको समझना और उस समझ के साथ उनमें जो बेस्ट क्वालिटीज़ है उसको निखारना, ये होना चाहिए। यही मैं शिक्षा जगत के लोगों को कहना चाहता हूँ अपने तरफ से। धन्यवाद सर, आपने व्योम टीवी पर अपना कीमती समय निकालकर जो गार्जियन, बच्चे और शिक्षा से जुड़े हुए सभी लोगों को एक संदेश देने की कोशिश की है, यह काबिले तारीफ है। मैं अंततः सभी अभिभावक, सभी शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोगों से यही कहूंगा, एक शिक्षक एक न केवल शिक्षक होता है बल्कि समाज का कर्णधार होता है। यदि वह चाह ले तो गढ़ी हुई मिट्टी से वह गढ़ देगा जो इंसान चाहता है। धन्यवाद आप सभी का, बने रहें और इस तरह के वीडियोज में हमेशा मेरी आपके साथ एक कोशिश होती है एक ऐसे व्यक्ति के साथ आपको मिलाने की जो समाज में कुछ ना कुछ अच्छा कर सके।